हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर का क्लास ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अभी हमने एनवलप से रिलेटेड काफ़ी बात करी है। एनवलप का कंसेप्ट हमने समझा, उसके बाद हमने जो है उससे रिलेटेड उस पर रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करे, एग्जांपल सॉल्व करे। तो अब हम एक नया कंसेप्ट जो उसी का एक पार्ट है एनवलप वाले चैप्टर का, डेट इज़ इवोल्यूट, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये डेढ़ डेढ़ नंबर के क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो इन डेफिनेशंस को आप बड़े अच्छे से जो है तैयार कर लें। तो ये कहता है इवोल्यूट क्या होता है, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द इवोल्यूट ऑफ द कर्व। सबसे ईजी और आराम से याद होने वाली डेफिनेशन है ये, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द इवोल्यूट ऑफ द कर्व। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालते जाओ आप किसी कर्व का, ठीक है, तो उसका जो लोकस बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, इवोल्यूट ऑफ द कर्व कहलाएगा, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन है, केंद्रज की उपरोक्त परिभाषा से वक्र के अभिलंबों का एनवलप वक्र का केंद्रज कहलाता है। ये भी बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, छोटी डेफिनेशन है कि वक्र के अभिलंबों का एनवलप, कोई वक्र है उसके किसी पॉइंट पर अगर अपन अभिलंब निकालते जा रहे हैं तो इन अभिलंब को जो एनवलप करेगा वो एनवलप वक्र का केंद्रज कहलाएगा, ठीक है। अतः वक्र के अभिलंब उसके एनवलप को स्पर्श करते हैं, ये और एक चीज है जो ध्यान देने वाली बात है। तो हम सिंपली अगर चलें एक कॉम्पैक्ट डेफिनेशन के फॉर्म में कि भाई क्या हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है या क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमको क्या डेफिनेशन प्रयोग में लेनी है, तो ये दो डेफिनेशंस हैं, एक तो ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली। नीचे वाली डेफिनेशन जो है वक्र के अभिलंबों का एनवलप वक्र का केंद्रज होता है, इस डेफिनेशन को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे किस समय, जब हम क्वेश्चंस करने जाएंगे उस समय इन डेफिनेशन को, इस वाली डेफिनेशन का हम भरपूर उपयोग करेंगे। और वैसे अगर एग्ज़ाम में आए तो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, कौन सी ऊपर वाली डेफिनेशन, कि वक्र के वक्रता केंद्र का बिंदुपथ उसका केंद्रज कहलाता है। तो ये डेफिनेशन अपन जो है आगे जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें इसका उपयोग करेंगे। तो एक की डेफिनेशन, दो आप याद रख लो। उसके बाद अपन चलते हैं सर कुछ एग्जाम्पल्स, सीधे राइट एग्जाम्पल्स पे चलेंगे अपन, क्योंकि इसमें और कुछ समझने के लिए खास बात है नहीं है। तो एक एग्जाम्पल जो है इसमें ये है कि एज्यूमिंग डेट द इवोल्यूट इज द एनवलप ऑफ द नॉर्मल्स, फाइंड द इवोल्यूट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये कहता है यह मानते हुए कि डेट द इवोल्यूट इज द एनवलप, इवोल्यूट क्या है, इवोल्यूट है एनवलप ऑफ द नॉर्मल्स। देखो ये डेफिनेशन का एक पार्ट ही आ गया इसके अंदर एक तरीके से, मानो क्या, ऐसा मानो कि डेट द इवोल्यूट, इवोल्यूट है क्या, इज द एनवलप ऑफ द नॉर्मल्स। नॉर्म किसी कर्व के नॉर्मल्स का जो एनवलप है वो इवोल्यूट है, ये डेफिनेशन अपने पिछले पेज पे भी देखी। तो ऐसा मानते हुए आप क्या करो, इवोल्यूट निकालो किसका, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो देखें बात सुनने में या देखने में पढ़ने में बड़ी लगेगी, पर बड़ी सिंपल सी कहानी है इसकी। क्या कहानी है कि साहब आपको जो है जिस पैराबोला के बारे में बात की जा रही है जिसका आपको क्या निकालना है, इवोल्यूट निकालना है, उसमें आप क्या करेंगे, आप करेंगे उसका नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल निकालने के बाद जो उसके नॉर्मल्स का एनवलप रहेगा वो इवोल्यूट बन जाएगा किसका, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x का। तो देखें कैसे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले क्योंकि नॉर्मल की बात आ गई, और किसके नॉर्मल की बात आई, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x के नॉर्मल की बात आई, तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x का m फॉर्म में झुकाव रूप में नॉर्मल का इक्वेशन ये होता है। ये आपको याद है तो हो गया क्वेश्चन, क्या होता है y बराबर mx माइनस 2m माइनस am क्यूब, ये याद रख लें, क्योंकि ये याद होगा तो ये क्वेश्चन फिर कुछ भी नहीं है आपके लिए, ये याद रखना जरूरी है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो तीन नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, छोटे वाले, थोड़ा सा अप्लाई करा और आंसर आने के चांसेस बन जाते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इसको क्या करें, हम
कंसेप्ट भी समझें और साथ में जो है किस तरह पकड़ करनी है क्वेश्चन की वो भी देखें। तो इस तरह होगी साहब कि सबसे पहले क्योंकि पैराबोला की बात हो रही है तो पैराबोला का नॉर्मल झुकाव रूप में लिख लें। ये वो इक्वेशन है जिसको हम कह सकते हैं कि पैरामीटर एम में है। इसमें पैरामीटर क्या है? एम है। एम को बदलते जाओ अलग अलग नॉर्मल निकल, तो एनवलप निकालते समय हमने यही तो करा था कि हमने जो है पैरामीटर पकड़ा था पहले कि पैरामीटर क्या है। जैसे अल्फा पैरामीटर था, कभी ए पैरामीटर था, शुरू में दो तीन अपने एग्जांपल देखे थे उसमें एम पैरामीटर था, ये भी एम पैरामीटर है। तो एम पैरामीटर का मतलब क्या है आप फिर समझ लो। एम पैरामीटर का मतलब ये है कि एम के मान चेंज करते जाओ तो अलग अलग आपको नॉर्मल की इक्वेशन मिलती जाएगी अलग अलग पॉइंट पर। जिस झुकाव पे आप चाहोगे उस झुकाव पे आपको नॉर्मल मिल जाएगा। तो अब हम क्या करें, तो एनवलप के टाइम पे हम यही तो करते थे कि हम पहले ये लोकेट करते थे कि साहब पैरामीटर क्या है, पैरामीटर मिलते ही उसके सापेक्ष हम डिफ्रेंशिएशन आंशिक अवकलन कर लेते थे। तो यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं कि हम जो है एम के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, किसका, इसका। तो निकालना अब क्या है, पकड़ होने के बाद डेफिनेशन पे सबसे पहले तो आप क्या निकालो साहब, नॉर्मल निकालो दिए हुए कर्व का और फिर प्रोसीड कर जाओ किस तरीके से, जैसे एनवलप निकालने के लिए प्रोसीड करते थे। तो यहाँ भी हमने यही करा कि एम की वैल्यू निकाल ली पार्शियल डिफरेंशिएशन और इस एम की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एम जो है उसका विलोप करेंगे, विलोप करते हमको ये आंसर मिल जाएगा। तो मैं इन इन स्टेप्स पे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ कि ये स्टेप्स तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। मैं जा रहा हूँ बेसिकली कंसेप्ट पे कि कंसेप्ट क्या पकड़ करना है हमको। कंसेप्ट हमने ये पकड़ करना है कि जब जब आपको इवोल्यूट निकालने को कहा जाए सबसे पहले आप उस कर्व का नॉर्मल ध्यान से लिख लो। नॉर्मल ध्यान से ये एक सिंगल पैरामीटर में लिखने के बाद इसी इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आप एम की वैल्यू निकालो और जैसे ही एम की वैल्यू आपके पास ये मिल गई इसको इक्वेशन नंबर ओरिजिनल वाले में वन में डाल के और सॉल्व कर लो। ये जो आंसर आएगा दिस विल बी योर इवोल्यूट फॉर द गिवन कर्व। ठीक है, यही काम करना है आपने। अब एक ये वाला क्वेश्चन किसी और जगह पे आपको सॉल्व करा हुआ मिल जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन जो है इसमें दिखा रहा हूँ आपको, जो फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द इवोल्यूट दिस ऑफ दिस कर्व। अब देखो ये कर्व कहलाता है क्या, ट्रैक्ट्रिक्स। ये यूं ध्यान रखना आपको कि जब अपन जो है इंटीग्रल वाला पोर्शन करेंगे तो उसमें इस टाइप के कर्व आएंगे जिनका नाम भी अलग दिखेगा आपको और इक्वेशन तो ये याद रखनी पड़ेगी कि x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस ए लॉग टेन टी बाई टू और y इज इक्वल टू ए साइन टी। तो जब नॉर्मल, अब वही वाली बात है, क्वेश्चन कैसे अपने को अप्रोच करना है कि इस कर्व का हमको नॉर्मल पता होना चाहिए सब, बस सारा खेल यही है हम नॉर्मल पता करने के लिए आगे चलेंगे। तो नॉर्मल निकालना होगा तो टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। तो y माइनस वाई वन इजिकल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन में अगर नॉर्मल निकालना हो तो एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन होता है। तो नॉर्मल का जो है m क्या होगा, एम टू इजिकल टू माइनस वन अपॉन एम वन, तो वही अपन ने करा। तो सबसे पहले m कैसे निकालें, हम निकालें m डी वाई बाई डी एक्स के तरीके से। तो ये इक्वेशन है x में तो इसका प्राचल के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन कर दो, ये इक्वेशन है t में तो इसका प्राचल के साथ डिफ्रेंशिएशन कर लो। तो dx बाई dt हमने फाइंड आउट कर लिया, देखें ये कर लिया, और dy बाई dt हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब इन दोनों की मदद से अपन क्या निकाल लेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू टेन टी, हो गया काम। अब मैंने जो आपको शुरू में अभी कंसेप्ट बताया था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, उस m की जगह माइनस वन अपॉन एम रख दो तो वो अभिलंब के लिए झुकाव हो जाएगा। तो वही करा है सब, इसके अंदर अपन ने ये नीचे वाली क्वेश्चन जो दिख रही है वो यही क्वेश्चन है, y माइनस वाई वन तो ये पड़ा, x माइनस एक्स वन ये पड़ा, माइनस का साइन आना था तो यहाँ लाए तो प्लस हो गया इक्वल टू के यहाँ लाए, और नीचे जो टेन टी आना था वो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर टेन टी आ गया। तो ये अभिलंब की समीकरण बन गई, किस पे, ट्रैक्ट्रिक्स पे। ठीक है, अब अपन साहब आगे चलते हैं, क्या करना है हमको कि आगे चले तो ये वाली चीज आ गई, यहाँ आ जाओ ये। तो इसमें क्या करा अपन ने, इसमें ये करा साहब कि x प्लस वाई इजिकल टू टेन टेन टी, ये सॉल्व करके अपन यहाँ तक आ गए।
अब क्या कहता है, दो का प्राचल टी के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो दो कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन नंबर टू है, इसका प्राचल टी के सापेक्ष अवकलन कर लो, बहुत सिंपल है, आप आराम से कर लोगे इसको। और फाइनली जो हमको मिलेगा वो मिलेगा वाई सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। और जैसे ही इसको थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व करोगे तो वाई बराबर क्या मिल जाएगा आपको साहब, ए कोसेक टी मिल जाएगा, ए कोसेक टी। अब तीन से वाई का मान दोबारा दो में रख दो, दो इक्वेशन कौन सी थी, यानी एक्स और वाई के अपन कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे, तो यहाँ से वाई का मान क्या रखा, दो में रख दिए, दो में रखते ही ये वाली चीज मिली और x बराबर a log tan t by 2 मिल गया। तो y का मान ये आ गया और x का मान जो है आपके पास a log tan t by। अब इससे ही सारा काम हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा साहब देखें, इसको log हटाया तो e की पावर x अपॉन a बना लिया, इसको पहले x अपॉन a नीचे ले जाओ, यहाँ x अपॉन a अपन क्या करा, x अपॉन a जो है x के नीचे a को ले गए यहाँ, तो x अपॉन ए बन गया। और log हटाना है तो e की पावर x अपॉन ए इज इक्वल टू टेन बाई टी बाई टू, ये ठीक है। अब तीन क्या है, तीन इक्वेशन नंबर ये y इज इक्वल टू a cosec t, तो y बराबर a cosec t को आप ये रख लो टेन स्क्वायर टी बाई टू अपॉन टेन टी बाई टू, हाफ एंगल्स में चेंज कर लिया, ठीक है। तो अब आपके पास टेन टी बाई टू की वैल्यू ये पड़ी e x अपॉन a, और टेन स्क्वायर है तो e की पावर टू x अपॉन a हो गया, और फिर टेन टी बाई टू की वैल्यू ये पड़ी e का x अपॉन a, ठीक है। और इसको हमने क्या करा, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, तो ये जो है आपका कन्वर्ट होकर के यहाँ आ गया e की पावर माइनस x अपॉन a प्लस e की पावर x अपॉन a, और ये वैल्यू किसकी होती है, a cos हाइपरबोलिक x अपॉन a की। तो अभिष्ट केंद्रज जो आपके आ गया x और y में रिलेशन ये आ गया, y बराबर a cos हाइपरबोलिक x अपॉन a। तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ से दोबारा अपन देखते हैं क्या करा है, इसको पूरे को फॉलो करते हैं। तो आप देखो कि साहब x बराबर y tan t में ये पिछले पेज से अपन यहाँ तक तो आ गए आराम से, अब इसके बाद t के प्राचल क्या है, हमारा पैरामीटर t है, इसके सापेक्ष अवकलन पहले भी करते थे, जो प्राचल होता था उसके सापेक्ष अवकलन करते थे, और काम क्या होता था, प्राचल को एलिमिनेट करते थे। आप देखो पिछला वाला जो एग्जांपल करा उसमें एम प्राचल था, उसको फाइनली हमने एलिमिनेट करा, और एलिमिनेट करने से पहले क्या करते थे, उसके सापेक्ष उसका अवकलन निकालते थे, टी के सापेक्ष अवकलन निकाल लिया, ये आ गया और वाई बराबर ए कॉस एफ टी आ गया। अब पूरी इक्वेशन में से ये एक अलग तरीका है जिसमें से हमने टी को एलिमिनेट करा है, तो टी को एलिमिनेट करने के लिए वाई का मान दो में रख दिया आपने, ये जो वाई का मान फाइंड आउट करा ना, इसको इक्वेशन नंबर टू में रख दिया आपने, टू में रखते ही एक्स का मान आ गया, और इससे जब हम आगे बढ़े तो ई की पावर एक्स अपॉन ए में पहुंच गए, और टेन टी बाई टू जो है इस तरीके से हमने वाई बराबर तीन से क्या है, ए कोसेक ए तो ये रहा, और कोसेक टी को हाफ एंगल में जो चेंज करा था यूं कर लिया, और करने के बाद फिर क्या करना, टेन टी बाई टू की वैल्यू आपके पास कहाँ पड़ी हुई है साहब, ये पड़ी हुई है, यहाँ रखा यहाँ रखा, दोनों जगह रखने के बाद इसमें भी डिवाइड कर दिया, इसमें भी डिवाइड कर दिया, तो एक बार प्लस साइन बन गया, एक बार माइनस साइन बन गया ई की पावर, और ये कॉस हाइपरबोलिक होता है। तो मेन चीज क्या रही, यहां आकर के टी के एलिमिनेट होने के चांस बन गए, और हमको दिखने लगा कि अब हाँ टी साहब एलिमिनेट होने लगा है, तो टी एलिमिनेट करना ही काम था, क्योंकि जो भी इस तरीके के क्वेश्चन है एनवलप और इवोल्यूट के, उसमें फाइनली पैरामीटर टी हो एम हो जो भी पैरामीटर हो उसको एलिमिनेट करना ही अपना काम रहता है। एनवलप के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट जो है डिफ्रेंशिएशन करके जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन करके एलिमिनेट करते थे, यहां नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के बाद उसमें से हम जो है पैरामीटर को एलिमिनेट करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप जो है करके एक बार अच्छे से देखें। ओके थैंक्स।